चल यहाँ से नीचे चली गई थी 12 चक्का गाड़ी, अभी वहीं पड़ी है कुछ गाड़ियाँ तो दरिया में चली गई। वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में, हम पहुँचे थे दार रोड पे, अभी हम हैं बटल मोड में। तो अभी ऑयल टैंकर छोड़ दिया, हमें भी छोड़ेंगे आधे घंटे या एक घंटे के आसपास। छोड़ दिए यहाँ से कानवाई और निकल चुके हम भी। चल अभी धीरे धीरे यहाँ से, क्योंकि रास्ता थोड़ा सिंगल है तो टाइम लगता है, क्यों गाड़ियाँ बहुत होती हैं, ऊपर से भी गाड़ियाँ आती हैं इस पर। अभी ये गाड़ी आ रही है ऊपर से, पहले इनको जगह छोड़ें, क्योंकि कर्व है यहाँ पे, छोटा कर्व है बहुत ही। और ये ट्रेन का ब्रिज है जो कि आप देख रहे हैं अभी, ये बहुत बड़ा ब्रिज है यहाँ पे, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। उधमपुर से आती है ट्रेन। कितनी सारी भैंसें चल रही है इस रास्ते पे, अभी ये भैंस लेके जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। बहुत दिनों से ये भी चल रहे हैं, अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं इनके भी, और बहुत बकरवाल लोग भी चल रहे हैं, भेड़ बकरी लेके, घोड़े लेके, और इनकी वजह से बहुत परेशानी होती है गाड़ी वालों को जो भी इस नेशनल हाईवे पे चलते हैं, उनको बहुत परेशानी। दो दो दिन का जाम भी लग जाता है, ऊपर से पहले ही ख़राब है यह रास्ता बहुत ज़्यादा, सिंगल स्ट्रेच है बहुत जगह, और पस्सी आती है, बंद ही रहता है, ये भी आ जाते हैं, और ट्रैफिक जामिंग होती है, दो दो दिन फंसती हैं गाड़ियाँ इस रास्ते पर। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है इस नेशनल हाईवे पर। अभी हम पहुंचे हैं करोल रामबन में, यहाँ पानी भर लेते पीने के लिए, चश्मा है यहाँ पे पानी का, बहुत ज़्यादा पानी है इस चश्मे का, यहाँ से पानी भर लेते हैं। फिर भर ली पानी की बाल्टीन, चलते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ, क्योंकि आगे जाम लगता है फिर बहुत ज़्यादा। लग चुके हम भी लाइन में, अभी जाम लगा आगे, क्योंकि वहाँ सिंगल रास्ता है, उस वजह से एक दो दो गाड़ी छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे निकल रही है गाड़ी, तो हम भी लाइन में खड़े यहाँ पर रामबन में। मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश नहीं होनी चाहिए बस। चल रही हैं धीरे धीरे करके गाड़ियाँ, आगे तक जाम लगता है, उधर तक पसी है, बहुत बड़ी पसी है, ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी पसी है ये, उधर तक सिंगल रास्ता है इसका, और धूप में भी पत्थर आते रहते हैं इस एरिया सारे में। अभी तो इसमें टनल का काम चल रहा है, हो जाएगा वो भी कंप्लीट, तब तक है बहुत दिक्कत है इधर। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है ये नेशनल हाईवे 44 की, यहाँ से नीचे गहरी खाई भी है, और चिनाब दरिया भी नीचे से चल रहा है, और ऊपर से भी पसी आते हैं, पत्थर आते हैं। देख सकते हो आप ये गाड़ी परसाल यहाँ से नीचे चली गई थी, 12 चक्का गाड़ी, अभी वहीं पड़ी है कुछ गाड़ियाँ तो दरिया में चली गई। ये दो
काम चल रहा है इसका, हो जाएगा मत एक साल डेढ़ साल में कंप्लीट। एक टेंट कवर टनल बाहर से बना रहे और एक टनल अंदर से बन रही है इसकी। फाइनली गाइस हम पहुंच आए हैं अभी भानियाल टोल प्लाजा पे, और यहाँ से आगे रास्ता तो ठीक है, अब उतनी परेशानी नहीं, चलते हैं आराम से यहाँ से। अभी सुबह हो चुकी है, हम रात में पहुंच आए थे यहाँ पे, अभी गाड़ी लगा लेते हैं जगह पे जहाँ पे खाली करने गोडाउन के आगे लगा लेते हैं गाड़ी। आज ना खुद भी खाली करना पड़ा, कुछ माल खुद भी उतारना पड़ा क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, बारिश होने लगी, थोड़ा सा ही माल बचा था, बारिश होने लगी तो अब थोड़ा इनकी लेबर नहीं थी आज, तो हेल्प करनी पड़ी इनकी भी। बस अभी खाली हो जाए, थोड़ा ही माल बचा है तो निकलते फिर यहाँ से।